हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में जल नीति के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं आपको इस वीडियो में जल नीति करके भी दिखाऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि जल नीति हमको क्यों करनी चाहिए, जल नीति हमारे लिए क्यों इफेक्टिव है। मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन मैं आपको सब कुछ बताऊँगी और करके भी दिखाऊँगी। तो गाइज, उससे पहले जो भी मेरा चैनल देख रहे हो तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर करें गाइज। तो गाइज, आज मैं बताती हूँ आपको जल नीति के बारे में। तो गाइज, जैसे कि हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, आईज क्लीन करते हैं, नहाते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो उससे हम अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं। पर हम अपनी नोज़ को क्लीन कैसे करते हैं? अपने नोज़ को क्लीन नहीं करते, तो उसके लिए जल नीति बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे आप अपनी नोज़ को भी क्लीन कर सकते हो। जल नीति गाइस हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जल नीति अगर आप लोग करते हैं तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हो, जो आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। जैसे ही गाइस, जिन लोगों को थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, बाल ज़्यादा झड़ते हैं, समय से पहले बाल वाइट हो गए हैं, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, साइनस की प्रॉब्लम है, पूरा 12 महीने जुकाम रहता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जुकाम बना ही रहता है हर समय। और जैसे कुछ लोगों को नोज़ में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रहती है, नाक बंद रहती है, हमेशा कफ आता रहता है, ठंडा खाया एकदम से सर्दी हो गई, दही खा ली, केला खा लिया एकदम से बीमार पड़ गए, या जैसे ही मौसम वेदर चेंज हुआ सडनली फिर से बीमार हो गए, तो जल नीति के द्वारा हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम भी है, तो गाइस ये सब चीज़ें हैं जिनको भी ये सब प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोग जल नीति करते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। प्राचीन टाइम पर पुराने लोग बहुत किया करते थे, तो ये अगर आप लोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इससे आपको सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। आप लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, नाक ब्लॉक रहती है, तो अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग अलोम विलोम कर लेंगे तो हमारी सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जब आप अलोम विलोम करते हैं गाइस, तो उसके लिए ऑक्सीजन जाना ज़रूरी होता है। जब आपकी नाक ब्लॉक रहेगी तो आप ऑक्सीजन आप ढंग से अलोम विलोम भी नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, तो आप उससे क्या होगा, आपको प्रॉपर तरीके से आपके लंग्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी और आपका योग जो कर रहे होंगे उसका ये पूरा बेनिफिट आप लोग नहीं उठाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको ज़रूरी है कि आपकी नाक क्लियर हो, उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज ना हो। तो उसी के बारे में, तो अगर नाक ब्लॉक रहेगी तो आप प्राणायाम का पूरा पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, मुझे भी काफ़ी टाइम से जुकाम की प्रॉब्लम रहती थी, मुझे भी 12 महीने जुकाम ही रहता था, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मतलब कोई मौसम ऐसा होता ही नहीं था कि मैं ठीक रहती हूँ। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, किसी डॉक्टर ने बताया कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, किसी ने बोला मांस बढ़ा हुआ है, ऐसी बहुत सी मैंने प्रॉब्लम फेस करी, मैंने काफ़ी मेडिसिंस पी ली, इसके बाद मैंने होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा लिया, पर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ये करके देखूँ। तो मैंने ये सीखा, मैंने जल नीति करना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मुझे लगा मेरे जैसे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये एलर्जी की, जुकाम की प्रॉब्लम, नाक से संबंधित प्रॉब्लम होगी ही, तो अगर वो इसको करना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे को, अगर मेरी इस वीडियो को देखकर किसी को आराम मिलेगा, किसी को रिलैक्स मिलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाइस ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने खुद से किया, मुझे बहुत रिलैक्स मिला, मुझे बहुत आराम मिला इसको करके, मेरे को जुकाम की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक हो गई। समझ लीजिए, अब मैं सब कुछ खाती हूँ, ठंडा गर्म जो भी होता है सब कुछ खाती हूँ, तो मुझे जुकाम नहीं लगता जल्दी से। आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे जल नीति को, तो शुरू में आपको इसको कंटिन्यू करना होगा, तो आप 2 से 3 महीने इसको कंटिन्यू करें डेली बेसिस पे, और कोशिश करें कि 2 बार अगर आप लोग कर सकते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है या नहीं कर सकते हो तो दिन में 1 बार तो आप ज़रूर ही करें, अर्ली मॉर्निंग ही और बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसको करने से पहले आपको खाली पेट होना, 2 घंटे पहले कुछ खाना नहीं है इसे करने से पहले, तो खाली पेट आपको करना होगा। क्योंकि जल नीति करने के बाद आप लोग, जल नीति करने के बाद थोड़ा कपाल भारती भी करना पड़ता है, क्योंकि जो पानी होता है नाक में उसको सुखाने के लिए, ताकि पानी सारा बाहर निकल जाए थ्रू कपाल भारती, नाक में कुछ भी ना रहे, तो उसके लिए कपाल भारती करनी पड़ती है। तो आप खाना कुछ नहीं खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पेट रिलैक्स रहेगा। जल नीति करने के भी बाद 1 डेढ़ कुछ नहीं लेना है आपको। जल नीति से आपकी नाक में कफ जमा होता है या ब्लॉकेज होती है वो उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देता है। अब मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो गाइस, जल नीति करने के लिए आपको हल्का सा गुनगुना पानी लेना होगा। गुनगुना मतलब जैसे वो ना तो गर्म ही लगे आपको, ना ही ठंडा लगे, बिल्कुल लाइट, तेज़ गर्म पानी नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो आपकी नोज़ को हार्म पहुंचा सकता है। तो आप हल्का सा बिल्कुल पानी लें, इसको टच करें, ना आपको ठंडा भी फील ना हो, आपको गर्म भी फील ना हो।
तो हम वैसा पानी लेंगे, तो आप किसी भी भिगोने में या जो भी आपके पास बर्तन होगा उसमें उसको हल्का सा नुवाया कर लें, हल्का सा मीन्स लाइट सा गर्म कर लें, और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक आप सेंधा नमक मिला लें। तो सेंधा नमक शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। सेंधा नमक होता है जो उपवास में मीन्स जो फास्ट रखते हैं, तो फास्ट में जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कुट्टू की पकौड़ी बनाते हैं या फास्ट का जो खाना बनता है उसमें जो हम नमक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेंधा नमक। तो मेरे पास ये है, आप देख भी सकते हैं, ये सेंधा नमक है, सॉल्ट पाउडर भी बोलते हैं इसको गाइस। और ये सिर्फ 10 रुपीज़ का आया है पैकेट, आप देख सकते हैं, और जो इसकी क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। तो आप इसको ले आइए, ये वेस्ट भी नहीं होगा, आप उससे जलनीति भी कर सकते हैं और बाद में आप इसको फास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही हल्का है, सिर्फ एक चुटकी ही बहुत होगा ये आपके जलनीति करने के लिए। अब जलनीति करने के लिए आपको पॉट चाहिए होगा, तो गाइज मैंने ये पॉट लिया है, आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का है, ये मैंने लिया हुआ है मेरे हाथ में, मैं इससे आपको जलनीति करके दिखाऊंगी। तो ये जो पॉट है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जिन लोगों को जुकाम की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, अगर वो तांबे का, जिन लोगों को जुकाम की प्रॉब्लम रहती है अगर वो तांबे का यूज़ करेंगे तो वो और भी इफेक्टिव रहेगा। अगर आप तांबे का यूज़ करते हैं तो उसमें 10-15 मिनट पहले पानी डाल के रख दें और उसको छोड़ दें, 10-15 मिनट बाद उस पानी से जलनीति करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, पर उसकी थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको क्लीन का करना पड़ता है अच्छे से। तो मैंने उतना मैं नहीं कर सकती शायद डेली में, तो मैंने प्लास्टिक का ही लिया है जो मुझे इफेक्टिव लगा। इसका स्टील पर का भी मिलता है, तो आप अमेजोन पे देख सकते हैं, उसमें हर तरह की अवेलेबल है, तो आप मंगा सकते हैं कि इस तरह का फॉर जलनीति। इसको जलनीति पात्र भी बोलते हैं गाइस। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है, अगर वो लोग करते हैं तो उनको बहुत आराम मिलेगा इस चीज़ से। मैं उसे शेयर करना चाहूँगी, अगर किसी को जुकाम की प्रॉब्लम है, अभी आप जलनीति करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं पर आपको जुकाम है, तो इसको ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो बिल्कुल हल्का सा नवाया पानी ही यूज़ करें, वरना आपका जुकाम और बढ़ सकता है। तो मैंने जलनीति करने के लिए ये छोटी सी बकेट ले ली है, और अगर आप चाहें तो आप अपने, मैं तो आपको दिखाना है तो मैंने ये बकेट ली है यहाँ पर, अदरवाइज़ आप इसको जलनीति को अपने वॉशरूम में भी जाके कर सकते हैं या फिर वॉश बेसिन में भी कर सकते हैं, जहाँ आपको सुविधाजनक रहे। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिखाना है इसलिए मैंने ये बकेट ले लिया, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ये पानी हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत लाइट है ये, मैं गर्म करके ले आई हूँ, और मैंने इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी मैं इसमें एक चुटकी डाल चुकी हूँ। अब मैं इस पॉट में इसको डाल लूँगी, ये मैंने पानी से भर लिया, आप देख सकते हैं, ये इसका पॉइंट है जल पॉट का। अब आप किसी भी नॉस्टल में, जिसमें आप चाहें, राइट में या लेफ्ट में, जहां आपको सही लगे आप उसको डाल सकते हैं। इसको पहले राइट में डालूंगी, जैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी किसी की नोज की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपकी राइट नोज ब्लॉक है या लेफ्ट ब्लॉक है, तो आप जो ओपन लगे आपको, जो ओपन है आप उसमें पहले डाल सकते हैं, उससे पानी से क्लियर हो जाएगी, तो आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी, फिर आप उस नाक से इसको कर सकते हैं। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसको करने से पहले आप अपनी एक बार प्रैक्टिस कर ले सांसों की, क्योंकि हमें जलनीति करते हुए नोज से सांस को नहीं लेना है, जैसे कि नॉर्मल है, हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग सांस के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो नेचुरली हम लोग लेते रहते हैं, पर आप जलनीति करेंगे उस टाइम आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जलनीति करते हुए सिर्फ मुंह से सांस लेनी है, अगर ज़रूरत पड़े आपको नाक से बिल्कुल भी सांस नहीं लेनी है। अगर गाइज आप लोग नाक से सांस ले लेते हैं गलती से भी, तो आपका जो पानी है वो थोड़ा ऊपर जा सकता है, इससे आपको क्या होता है, आँखों में भारीपन या सर में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप जलनीति करें उस समय पर सांसों पर कंसंट्रेट करना है आपको, अपनी सांसों पर, वो मुंह से लेनी है इस तरह से। तो आप पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें जलनीति करने से पहले, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ आप अपनी सांसों पे लगा के रखेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि मुझे मुंह से ही सांस को लेना है। तो गाइस अब देखते हैं,
बाद आप थोड़ी देर नाक को कपाल भाती करें। इससे आपकी नोज में जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा, पानी की बूंदे, उसको तब तक करते रहे जब तक वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। करेंगे अब मैं पानी डाल लेती हूँ इसमें। पानी फिल हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं। अब सेम प्रोसीजर हम दूसरी नोज से भी करेंगे। थोड़ा बैंड होंगे और थोड़ा सांस की प्रैक्टिस लेंगे। लेट्स स्टार्ट। गाइस देख चुके हैं जैसे कि मैं कर चुकी हूँ, तो इसी तरह से इसको करना है। पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, इसको करने के बाद आपको दोनों, अगर आप राइट साइड से करते हैं तो उसके करने के बाद थोड़ा सा आप योगा कर लें कपालभाति, जैसे कि जितना प्रेशर आप बाहर देंगे उतना ही पानी आपको काफ़ी देर तक फील होगा कि पानी की कुछ बूंदें आ रही है। इसका मतलब नॉस्ट्रल अभी क्लीन नहीं हुआ है, उसमें पानी है। और जिन लोगों को ब्लॉकेज होगा वो आप खुद देखेंगे, आपको कफ भी आएगा पानी में निकल कर। तो जल नीति करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट कंटिन्यू आपको कपाल भाति करना है, जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि आपकी नोज बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तब तक आप कंटिन्यू कपाल भाति को करें। तो इस तरह से आप लोग जल नीति को कर सकते हैं गाइज। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि जल नीति को आप घर पे अकेले ना करें, अगर आप किसी की सुपरविजन में करेंगे, कोई एक्सपर्ट के सुपरविजन में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अकेले करने से कई बार गलत भी हो सकता है, और विशेषकर सांसों पे ही कंसंट्रेट करना है। सांसों पर कंसंट्रेट अगर आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली अगर आप नाक से सांस ले लेंगे तो आपका पानी थोड़ा ऊपर जाके आपको थोड़ा भारीपन की प्रॉब्लम है, सर में पेन, इस एरिया में आँखों में भारीपन फील हो सकता है। तो अगर आप करना चाहें तो ज़रूर इसे सीखें, और ये बहुत अच्छा है साइनस के लिए, जुकाम के लिए। अगर आप रेगुलर करेंगे, स्टार्टिंग में रेगुलर करें, उसके बाद अगर आप बीच में गैप करके करते हैं, हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, और फिर महीने में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत नेचुरल तरीके से इसकी नोज़ की क्लीनिंग है गाइस। हमें बहुत ज़रूरी है नाक की क्लीन भी करना, एलर्जी की प्रॉब्लम, ये सब आपको खुद इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो आप ज़रूर कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और उसकी हेल्प से इसको करने की कोशिश कीजिए। फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।